नमस्कार, सप्रियर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं एसएस पांडे, आप देख रहे हैं सप्रियर समाचार। आइए ले चलते हैं आपको समाचार की ओर। जहां पूरे देश में श्री कृष्ण जन्माष्टमी मनाई गई, वहीं उत्तर प्रदेश जनपद जौनपुर के थाना मुगरा बादशाहपुर परिसर में बड़े ही धूमधाम के साथ श्री कृष्ण जन्मोत्सव मनाया गया। दूर दराज से आए हुए कलाकारों ने अपनी कला का इस कदर प्रदर्शन किया कि लोग झूमने पर मजबूर हो गए। जन्माष्टमी कार्यक्रम में बीपी सरोज सांसद मछलीसार विधायक पूर्व विधायक से लेकर तमाम दलों के लोग उपस्थित थे। नगर पालिका परिषद मुगरा बादशाहपुर के चेयरमैन शिव गोविंद साहू, सीओ मछलीसार से लेकर तमाम थाना मुगरा बादशाहपुर के पुलिस स्टाफ मौजूद थे। वहीं मुगरा बादशाहपुर विकास खंड क्षेत्र के ग्राम सभा लौह के डिहाई का पूरा में शंभुनाथ जन कल्याण सेवा ट्रस्ट द्वारा संचालित बालकृष्ण जन्मोत्सव समिति के बैनर तले भारतीय सहारा, राष्ट्रीय हिंदी दैनिक समाचार पत्र व सबकी नजर राष्ट्रीय हिंदी समाचार पत्र के संपादक श्याम शंकर पांडे के पैतृक आवास डिहाई का पूरा में श्री कृष्ण जन्माष्टमी प्रतिवर्ष की भांत इस वर्ष भी मनाई गई। श्री कृष्ण जन्मोत्सव कार्यक्रम में पायलट ऑफिसर पूर्व अपर महानिदेशक भारत सरकार राधेश्याम पांडे, कवि राम प्रकाश पांडे, प्रकाश लहरी, राम अवतार यादव, सुभाष चंद तिवारी की भक्ति गीतों को लोगों ने जमकर सराहा। रामचंद्र जी सीता जन के हमारी लटके हनुमान भी लंका डारी डारी में लटके लटके बम भोला जी लटके बम भोला जी माता सच कुमारी में लटके वहीं जनपद जौनपुर के पवारा थाना में श्री कृष्ण जन्माष्टमी थाना अध्यक्ष अगम दास के नेतृत्व में मनाई गई। इस मौके पर राधा कृष्ण की झांकी निकाली गई व कलाकारों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया। पवारा थाने से नागेंद्र दुबे की खास रिपोर्ट।